तो भाई मैंने अभी ऑर्डर किया डोसा, ये है भाई कॉलेज, देखो देख लो भाई, बारिश से स्टार्ट हो चुकी है। ये है भाई पूरा सेंटर का, कितना मस्त व्यू आ रहा है कॉलेज का। इसके बाद से मैं कभी मुंबई में पानी पूरी नहीं खाऊंगा। गाइस अभी क्या कि घटना हुई है, मैं बताता हूं। देख लो, फर्स्ट ये था डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस अभी चल रहा है मेरा पीजी का एग्जाम, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट मतलब मास्टर्स। तो भाई अभी मेरा कंटिन्यू 4 दिन से एग्जाम ही चल रहा है। तो भाई मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ पनवेल, अभी मैं भाई लोकल स्टेशन पे, ठीक है। तो पनवेल मतलब समझ ही गई हो, अरे जल्दी बोल, पनवेल निकलना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो यही वाला वो पनवेल है। तो भाई चलते हैं, टिकट वगैरह ले लिया है, चलते हैं सीधा जर्नी का मजा करते हैं। बता दो भाई एग्जाम में क्या क्या हो रहा है। वैसे मेरा काफी ज्यादा अच्छा एग्जाम चल रहा है भाई, आज ये 5वां एग्जाम है, 4 एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो चलते सीधा ट्रेन का जर्नी करते हैं, फिर आपको वहाँ पे आगे का चीज दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। गाइस अभी हम भाई वेट कर रहे हैं ट्रेन का, यहीं पे पनवेल के लिए ट्रेन आती है भाई, और हर 2 या 3 मिनट पे ट्रेन जो है आते रहती है। अभी इधर से आएगी भाई, प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 भाई, अपनी ट्रेन आ गई, इसी में अपने को भाई चढ़ना है। अभी पहुंच चुके हैं मानसरोवर, और यहाँ पर लगभग जो है ट्रेन खाली हो चुकी है। कह रहे हैं ये नजारे रुत यही दीदार की। पनवेल पहुंच चुके हैं, फाइनली जो है पनवेल पहुंच चुका है भाई। यहाँ से निकलते हैं सबसे पहले बाहर, और ये क्या है कि लास्ट स्टॉपेज है, इसके बाद जो है ट्रेन आगे जाती नहीं है, वापस जो है यहाँ से कोई भी ट्रेन आती है यहाँ से मुड़ जाती है वापस। ये देखो बस ये लास्ट हो गया, जब ये स्टेशन से बाहर आ चुका हूँ भाई, और मेरा एग्जाम है 2 बजे से, तो अभी टाइम है, मुझे लगी है भूख, तो थोड़ा सा मैं कुछ खा लेता हूँ भाई, यहाँ से चलते हैं। तो भाई मैंने अभी ऑर्डर किया डोसा, डोसा खा लेते भाई। ये भाई पनवेल के स्टेशन के बाहर गए गया। तो भाई अपना चीज मसाला डोसा रेडी हो रहा है, ये है भाई अपना चीज मसाला डोसा। तो भाई मस्त डोसा खा लिया भाई, पेट भर गया। अब क्या ऑटो नहीं लूँगा, यहाँ से ओनली 700 या 800 मीटर है, ठीक है। ऑटो लूँगा तो भाई ऐसे पेट भर गया, तो थोड़ा पैदल चल लेते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे, और मेरे पास टाइम बहुत, अभी एक ही वजह है, अब मेरा जो एग्ज़ाम है भाई 2 बजे से एग्ज़ाम है, तो 15 मिनट पहुँच जाऊँगा। चलते भाई सेंटर पे, आपको दिखाता हूँ कॉलेज, किस कॉलेज में मेरा एग्ज़ाम है, और पूरा कॉलेज घुमाता हूँ। तो गाइज कॉलेज पहुँच चुका हूँ भाई, और ये सामने दिख रहा होगा। तो गाइज ये है डॉक्टर KM वासुदेवन पिल्लई कैंपस, इसी के भाई अंदर जाना है। ये है भाई कॉलेज, देखो ये पूरा कैंपस, और अपना जो एग्ज़ाम है 4th फ्लोर पे है। ये आपका बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, इधर से, वैसे मुझे उधर से जाना था, वहाँ से लिफ्ट मिलता इजी रहता, फिर भी मैं आपको, आगे भी है टी शर्ट भी। ये देख लो भाई, बारिश से स्टार्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पे क्या है कि बारिश हो गई, तो सब क्या है कि अंदर आ गए। ये है भाई पूरा सेंटर का, अभी चलते भाई अपना 4th फ्लोर पे। तो भाई अभी वेट कर रहे हैं भाई लिफ्ट का। भाई ये देखो 4th फ्लोर से कैसे दिख रहा है। तो गाइस अभी हो चुका है एग्जाम का टाइम, आपसे मिलते हैं एग्जाम के बाद। तो भाई कितना मस्त व्यू आ रहा है कॉलेज का, तो चलो चलते हैं एग्जाम देने, फिर मिलता हूँ आपसे लास्ट में। तो गाइस फाइनली जो है पेपर भाई कंप्लीट हो चुका है, और मैं कॉलेज से बाहर आ चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ भाई ट्रेन पकड़ने, ठीक है। तो आज का जो पेपर था भाई, वो था पब्लिक पॉलिसी एंड एनालिसिस पे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा पेपर गया भाई, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, मज़ा आया लिखने में, और मैं 30 मिनट बिफोर पेपर सबमिट करके आ चुका हूँ, ठीक है। तो रिजल्ट देखें क्या आता है, रिजल्ट आई होप कि काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेपर गया, ठीक है। तो अभी चलते भाई, लोकल ट्रेन पकड़ते हैं, वापस से चलेंगे, ठीक है। तब तक फिर से भूख लगी, तो थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस अभी मन कर गया भाई पानी पूरी खाने का, तो पहले चलते हैं, सामने दिख रहा है पानी पूरी भाई, इसको खाता हूँ, काफ़ी दिन से मन कर रहा था, लेकिन आज इसको पहले खाएंगे, देखते भाई मुंबई का पानी पूरी कैसा है। भाई पानी पूरी तो खा लिया, लेकिन भाई वो गांव वाला टेस्ट नहीं था, वहाँ पे जो खट्टापन होता है ना,
यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। चना वना डाल के मतलब छोला टाइप डाल के देते हैं, सेब और प्याज को अलग काट के दे देंगे, खुद से उसमें भरो फिर खाओ। तो मुझे उतना ज़्यादा मज़ा आया नहीं। और जो खिलाने वाला था भाई वो यूपी का था, तो दोस्त भी बन गया वो, ठीक है। उसने खुद बोला कि आपको गाँव की तरह मिलेगा नहीं, तो भी ठीक था, चलो खा पी लिए, एक एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन इसके बाद से मैं कभी मुंबई में पानी पूरी नहीं खाऊँ, मुझे उस तरीके से मज़ा नहीं आया। चलो भाई, और उसके बाद जब आज एग्ज़ाम दे रहा था, काफ़ी अच्छा मौसम था भाई, मस्त बारिश हो रही थी, एकदम विंडो से मस्त वाली हवा आ रही थी। चलो तो भाई बातों बातों मैं पहुँच गया स्टेशन, ये है अपना लोकल स्टेशन, तो चलते हैं। टिकट मैंने पहले ही ले लिया था रिटर्न का। यहाँ पे एक चीज़ है, आपको टिकट चाहिए तो रिटर्न का ले सकते हो, सेम डे आपको वापस होना पड़ेगा जहाँ से आप लेते हो वहीं पे। मुझे सेम जगह पे जाना है तो मैंने रिटर्न ले लिया था। चलो अब चलते हैं सीधा स्टेशन पे। तो भाई ये ट्रेन लगी है और ये लेडीज़ बोगी है, पूरा ट्रेन खाली है भाई। गाइस विंडो सीट मिल गई, ट्रेन चल पड़ी है भाई। यही ट्रेन थी अपनी, गाइस अभी क्या है कि घटना हुई है, मैं बताता हूँ। जो आपको पीली पट्टी दिख रहा है ना, ट्रेन इधर से गुजरता है, तो पीली पट्टी से इधर जब ट्रेन जा रही होती है तो कभी आप मत रहना, क्योंकि जो ट्रेन से जो बाहर की तरफ लौटते हैं, जैसे ये लोग हैं, क्या ना मोबाइल खींचते हैं। अभी जस्ट मेरी आंखों के सामने में एक बंदे का मोबाइल खींचा उसका, लेकिन यही था कि भाई मोबाइल खींच नहीं पाया। तो जब भी आप मुंबई में ऐसे करते हैं नो ट्रेवल, तो बच के रहना, जब ट्रेन आ रही होती है तो थोड़ा दूर हो जाना, क्योंकि चलते ट्रेन से मोबाइल खींचता है, ठीक है। तो ये भाई ध्यान में रखना, मैं निकलता हूँ सीधा स्टेशन से बाहर। गाइस मैं भी ब्लॉग कर रहा था, आज मेरा भी मोबाइल चला जाता भाई, मैं थोड़ा सा भी पीली पट्टी की साइड रहना थोड़ा सा हट के था, बच गया मैं भाई। गाइस फाइनली जो है रूम पे पहुंच चुका हूं भाई, और आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं। ये था आज का पेपर भाई, इसमें हर एक सेक्शन से मिनिमम 2 क्वेश्चन अटेंड करने थे और टोटल वैसे 5 क्वेश्चन। तो ये देख लो, फर्स्ट ये था डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ऐसे करके टोटल सारे क्वेश्चन थे आप देख सकते हो। तो मैंने टोटल 5 क्वेश्चन किए भाई, और 30 मिनट पहले ही कर लिया था, ठीक है। अभी रूम पे पहुंच चुका हूं और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।